क्या प्रेस मीट रखा है आपने बाबा जी का नाम है? हाँ, सबको धन्यवाद। और मैं बोलना चाहूंगा वो गाना है रे पगली, जो गाना अभी रिलीज हुआ है और इंस्टा पे ट्रेंडिंग कर रहा है और काफी अच्छे व्यूज मिल रहे हैं और लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं उसको। जी हाँ, गाना किसने गाया है, क्या है, म्यूजिक किसका है, कहाँ पे शूट हुआ है, किस फिल्म का है, एल्बम का है? रे पगली ये एक एल्बम है, ये एक म्यूजिक एल्बम है, वीडियो एल्बम है। और इसके बारे में मैं बताऊं कि ये मैंने गाया है, इसका म्यूजिक भी मैंने किया है और इसके डायरेक्टर हैं विभांशु और इसमें एक्ट किए हैं शालिनी ने और इसके गीतकार हैं धर्म हिंदुस्तानी। सर भोजपुरी का कोई गाना इतना बड़ा नहीं होता है, इतना प्राउड की बात होती है क्योंकि इस गाने को लेकर काफी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर जो रिच बना रहे हैं, तो ये भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल गर्व की बात है और मैं इस गाने के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि ये गाना एक साफ सुथरा गाना है। जैसा कि हमेशा लोग बोलते रहते हैं कि गाने में थोड़ा कुछ मसाला होना चाहिए, कुछ थोड़ा तड़का होना चाहिए, इससे हटके बिल्कुल ये साफ सुथरा गाना है। इसको बच्चे भी सुन सकते हैं और सीनियर भी सुन सकते हैं, कोई भी इसमें कोई मायने नहीं रखता, कहीं भी किसी के सामने ये गाना सुना जा सकता है, एंजॉय किया जा सकता है, पार्टी डांस कर सकते हैं और इस तरीके का गाना। इस गाने में कोई सारे की किस तरह से आइस और ये बोला जाता है कि एक लकी चार्म। तो मैं तो इनके साथ ये मेरा पहला काम था और मेरे लिए लकी साबित हुई और बाकी इनसे मैं सुनना चाहूंगा इसके बारे में। जी ये सॉन्ग मतलब सर तो काफी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे भोजपुरी के, लेकिन वाला है क्योंकि सर भी बहुत मस्ती में शूट किए थे और हम लोगों ने भी ऐसे मस्ती में शूट किया था, पर लोग मुझे पहले बोलते थे कि इनका नेम लेके, सर का नेम लेके, कि वो मतलब अलग चीज है, पर ये हिट होने के बाद मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअल में ये क्या है कि कोई भी नहीं जान सकता, कोई भी इनके बारे में बता सकता है कि क्या है, ये क्या है एक्चुअल में ये खुद ही जानते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी होप नहीं था कि इतना अच्छा हिट होने वाला है। आई होप 1 मिलियन रील अभी कंप्लीट होने वाला है, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे भोजपुरी के ही नहीं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिएटरों ने, कई स्टारों ने, कई सेलिब्रिटियों ने भी इस पे रील बना रखा है, बहुत अच्छा व्यूज है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी अच्छा है क्योंकि बिल्कुल भी वल्गर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इन होता है अक्सर गार की भोजपुरी के सॉन्ग्स लोग बोलते हैं पब्लिकली नहीं बजाया जा सकता, लेकिन ये सॉन्ग आप पब्लिकली भी बजाइए, सुनिए, इंजॉय करिए, डांस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर तो सच में ग्रेट है, इनका म्यूजिक के साथ साथ इनका सिंगिंग का जो आवाज है, इनका जो तरीका है, जो कंपोज है, सुपर्ब है। अभी हमने शूट भी किया है, बहुत ही बड़ा सॉन्ग और आई होप वो भी जैसे सर ने बोला कि मैं इनके लिए लकी हूँ, तो ये हमेशा यही चीज बोले कि मैं इनके लिए लकी हूँ, वो भी सुपर्ब हिट हो, अब आने वाला है बहुत ही जल्दी वो भी। बाबा जी अगर आप बात करें ऐसा ही है कि बुलबुल ही रीत के छाया है, शुरुआत जो है मां के गोद में से हुई, रीत की जो शुरुआत है वो भोजपुरी गानों से हुई, मां के से जी संस्कार के दृष्टि से या निचले स्तर से देखें हम कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं, क्योंकि मैं 15 साल से काम कर रहा हूं लगभग ये म्यूजिक का, तो मैं 15 साल पहले जो साउंड हुआ करता था, जो जिस तरीके की चीजें या जो थॉट हुआ करते थे, अभी वो नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर जा रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं और इसलिए शायद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग कहीं ना कहीं अपना आज हम लोग उपस्थित हैं, मौजूद हैं। मुझे, मैं सच में बोलूं तो इस गाने को लेकर मैं शुरुआत में 3 साल से मेरे पास ये गाना बन के पड़ा हुआ था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि क्योंकि ये एक रिस्क होता है, किसी भी आप सिंगर के पास जाते हैं और बोलते हैं रे पगली तोरा प्यार में हम भी पगलेटवा हो गए, अभी गाने सब कैसे कैसे लोग चल रहे हैं, तो ऐसे में अगर ये गाना आप किसी के सामने देते हैं बड़ा रिस्क होता है, सामने वाला गाएगा नहीं गाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यार गाना तो कुछ तो है, जो भीड़ चल रहा है, जो रोज साउंड सुनाई दे रहा है उससे तो थोड़ा डिफरेंट कान को लग रहा है, थोड़ा चेहरे पे हंसी या खुशी महसूस हो रही है, तो ये रिस्क था, तो ये रिस्क किसको मैं परोसूं, तो ये रिस्क मैंने खुद लिया। अच्छा, मैंने जानबूझ के ही ये किया है,
क्योंकि अगर मुझे बाहर अगर जाना तो वैसे जैसे आज एक फिल्म थी नदिया के पार, तो नदिया के पार फिल्म सिर्फ भोजपुरी तक ही सीमित नहीं रहा, वो फिल्म एक ब्रॉड हर लगभग हर जगह, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो कोई भी नॉर्थ इंडिया के, हाँ नहीं है, तो उसको इसलिए देखा गया है कि उसमें अब मैं जा रहा हूं नहीं बोलते, हम जा रहे हैं, है ना, तो हम लगा के जो बोलते हैं हम भी पगलेटवा हो गए, मैं पगलेटवा, मैं पागल हो गया हूँ, ये हिंदी हो गया, लेकिन हम भी पगलेटवा हो गए हैं, मतलब ये वहां का टोन है अपने पटना का, तो कुछ इधर का कुछ पटना का अपना और खड़ी भाषा का लेके मैंने ये इसमें बनाया। लेकिन सर अगर इस गाने को आप हिंदी गाने के तौर पर रिलीज करते तो और भी ऑडियंस मिल जाएगी आपका? ठीक है, अगर ऐसा है तो आगे और भी और चुनौतियां हैं उसे स्वीकार करेंगे, हम लोग करेंगे कोशिश। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको अच्छा खासा म्यूजिक म्यूजिक का सेंस है और बहुत अच्छे म्यूजिक भी देते हैं, एक्सपीरियंस हम नहीं बता सकते क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज मैं हूँ। भैया का ये पहला गाना मैंने किया था लालटेन 2.0, जो आप भोजपुरी में आजकल देख रहे होंगे, सब लोग बड़े वीडियो बना रहे हैं, बड़े वीडियो बना रहे हैं। बड़े वीडियो की शुरुआत भैया ने किया था आज से 3 साल पहले, उसके पहले हमें कोई जानता नहीं था। लालटेन 2.0 मैंने किया, भैया कराया उस टाइम, और आज भोजपुरी में जो वीडियो का दौर देख रहे हैं, एक लेवल देख रहे हैं, और लाने वाले भैया ही, बीच में छूट गया था। अभी रे पगली के बाद और भी चार्ज होकर के और भी कई सारे गाने आएंगे, और रे पगली जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हम लोग पहले से ही लालटेन किए हुए थे, भैया का एक्सपीरियंस हम लोग के साथ रहा है, और रे पगली और भी हम लोग अच्छा बनाए, और रे पगली के बाद और भी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं क्योंकि इससे बढ़ के ऊपर से ऊपर बढ़ के मिलेंगे। सर फिल्मों को लेकर भी कोई प्लान चल रहा है? फिल्म तो मैं म्यूजिक तो मैं करते रहता हूँ और आगे देखेंगे, आगे फिल्म का तो मुझे अभी कुछ कह नहीं सकते, समय बताएगा, अभी सिर्फ एल्बम करेंगे। सबसे मेरी बात हुई है और वो लोग बहुत प्यार देते हैं हमेशा की तरह, और बहुत सराह रहे हैं इस गाने, वो लोग मेरे साथ हैं सब लोग। आने वाले प्रोजेक्ट है अभी 24 जनवरी को रिलीज करेंगे हम लोग, और गाने शूट हो चुके हैं और काफी अच्छा गाना है और मैं उम्मीद करूंगा इससे बड़ा गाना हो। सर एक बदलाव आया है इंडस्ट्री में जी, पहले लोग भोजपुरी करते थे, थोड़ा सम्मान दिया भोजपुरी करते थे, लेकिन आज वो भोजपुरी बदल के काफी बड़ा हो गया है। बिल्कुल, बड़े बड़े सुपरस्टार संदीप निर्मल ने भोजपुरी कर दिया, अभी शाम में जी क्या कहना चाहेंगे इस बार? मुझे वो दिन दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल हम लोगों का ऊपर जा रहा है, हम लोग डिजिटल में अच्छा काम कर रहे हैं, और आजकल युग जो आ गया है डिजिटली, हर जगह देखिए ऑनलाइन हर चीज़ बिकना, गाने बजना सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यापार है, और ये जो बिजनेस है व्यापार है उसको हम लोग बढ़ाएंगे, और आने वाला समय मेरे ख्याल से भोजपुरी का बहुत अच्छा सुना रहा है। संदीप के बारे में ठीक है, स्वागत है उनका, बिल्कुल स्वागत है। उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, फिली पॉल एक बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, और वो साउथ अफ्रीका के होके और वो हिंदी को प्यार देते हैं, अपने भोजपुरी को प्यार देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, ऐसा वो बहुत अच्छा लगता है उनका, उनका एक एक्सेंट है जो एक बाहर के लोग अगर हिंदी या भोजपुरी अगर उनमें बात करें तो कैसे थोड़ा एंजॉय हम लोग अच्छा लगता है उनका एक्सेंट है। मैं आपको कहना चाहूंगा
हाँ जी बिल्कुल, और जैसे कि आप लोगों ने बताया, उन्होंने एक बार नहीं कई बार रील बनाया है इस गाने पे, और उन्होंने कैप्शन, मैंने उनका रीड किया था, उन्होंने कैप्शन में लिखा था आई लव दिस सॉन्ग। पता नहीं वो सॉन्ग के लिरिक्स पे, आवाज पे, पर जिस पे भी उन्होंने ये चीज बोला था, एक्चुअल में सच में अगर आप ये सॉन्ग एक से दो बार सुनते हो तो मुझे लगता है कि सुबह में आपने सुन लिया तो नाइट तक तो आप ये रिपीट करते रहोगे, जब तक आप एक बार नींद लेके सुबह दोबारा नहीं उठोगे तब तक आप ये गाना गुनगुनाते ही रहोगे। और जैसे रे पगली प्यार में हम भी पगलटवा हो गए, मींस बहुत लॉजिक वाली चीजें हैं। ऐसे आदमी बोलता है लड़का लड़की का जनरेशन होता है तो तुम्हारे प्यार में मैं पागल हो गया, तो बस सर ने उसी को लेके घुमा के लपेट के ऐसा प्रेजेंट कर दिया है कि एक्चुअली वो माइंड में ऐसे घूमता रहता है। मैं जो शूट करके गई थी तो मेरा तो रात नहीं, मेरा तो दो तीन दिन तक चला था, और रिलीजिंग के बाद में भी लोग मेरे कमेंट में आके बोलते थे कि गाने का तो पता नहीं पर आप पागल हो गए हो, और एक्चुअल में ऐसा है। और अब भी मुझे लगता है भोजपुरी की सारी पब्लिक ही पागल हो गई है, भोजपुरी क्या जो भी अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी बन रहा है तो वो भी पागल हुए हैं। इस एक बहुत बड़ा गाना है इसमें, मैं हमेशा गाता हूँ भोजपुरी, क्या हिंदी में भी, हिंदी भोजपुरी में, भोजपुरी का ठीक। अरे मन कर सिलवट पे लोढ़ा से आकुन पूछ दे जवानी रजो, कौन सबत संग काटत चानी लगा के मच्छरदानी रजो, कौन सबत संग काट तड़चानी लगा के मच्छरदानी रजो। ये गाना ऐसा फोक है मेरे ख्याल से, इसको अगर ये और आज से 15 साल पहले हुआ है, 10 से 12 साल पहले हुए, अगर इसको अभी अगर करना हो तो ये बहुत अच्छा साउंड करके ये बहुत अच्छा गाना बन सकता है आज के रिदम में। अरे पगली किरे पगली किरे पगली तोरा प्यार में हम भी पगले तबाह हो गए हैं, रे पगली तोरा प्यार में हम भी पगले तबाह हो गए हैं, इश्क के धूप में जर जर के कुरिया चकल तबाह हो गए हैं, रे पगली तोरा प्यार में हम भी पगले तबाह हो गए हैं। थैंक यू सो मच।